ऊपर कैलेंडर में 14th क्लिक कीजिए, 14th मंडे, 15th सॉरी मंडे, या ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहां पे हर देश का, हर करेंसी का डेटा, उस ये करने से पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको इंडियन मार्केट्स में स्टॉक करना है तो आपको moneycontrol.com खोलना है या याहू फाइनेंस खोलना है। वहां पे वो एक्सिस बैंक के बारे में क्या बोल रहे हैं, SBI के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में डेटा होगा, ठीक है, वो वहां से डेटा ले। अगर किसी को इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना है, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो आपने उनको बताया सर ये आप साइट खोलिए, हर एक दिन में हर एक कंट्री का डेटा आता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस पर क्लिक करेंगे आप USD पे 4 PM डाउनवर्ड्स 4 PM या दिस वन या ओके ये 4 PM 14th 4 IIC लॉन्ग टर्म परचेसेस, यहां पे ये येलो साइड पे, यहां पे दिस साइड ये येलो फोल्डर दिस वन ये यहां पे यस ओके होल्ड किया, उसको नीचे वाला क्लिक कीजिए, क्लिक इट या फोल्डर को क्लिक कीजिए, येलो फोल्डर को क्लिक कीजिए, यस क्लिक इट। तो आपने ये सारे न्यूज है उसमें से एक को देखा, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा ये किसका डेटा है, US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का डेटा है, करेक्ट। साथ ही साथ गूगल ओपन करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर, ये सिंपल है, आपके मोबाइल में भी गूगल ट्रांसलेटर आता है, चीजें बहुत आसान कर देगी, और वो आपको आप वहां से उस फॉरेक्स में जाइए कैलेंडर पे, इसको कॉपी कीजिए, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो कोई भी लैंग्वेज कोई भी एनालिसिस आपको बहुत ही आसान हो जाता है, उसको कॉपी कीजिए और गूगल ट्रांसलेटर में इंग्लिश टू हिंदी कीजिए, दो बार टैब मारो, हाँ दो बार, ओके मैं आ जाता हूँ, आई विल डू इट, हो गया, वेरी गुड। उसको कॉपी कीजिए और उसमें पेस्ट कर दीजिए, इंग्लिश हाँ पेस्ट कर दो वहां पे, मेक दिस लैंग्वेज इज हिंदी, आप चाहें कोई भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते, तमिल तेलुगु जो करना है, हम इसको हिंदी सेलेक्ट करते हैं, हिंदी लिखा होगा HIND नीचे नीचे आ गया, नीचे 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 और नीचे 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 आ गया, क्लिक। तो क्या लिखा है, कोई स्टेज पे आके पढ़ेगा, कौन है, आइए आइए कोई बात, अमेरिकी नागरिक को द्वारा खरीदी गई विदेशी जी लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ अमेरिकी नागरिकों द्वारा खरीदी गई विदेशी दीर्घकालीन प्रतिभूतियों और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान विदेशियों द्वारा खरीदे गए अमेरिकी दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के बीच मूल्य में अंतर। सरल है, समझ में आता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा, आज नहीं कहा का फिर भूल गए, रोज आप उठिए प्लान बनाइए, जितना आप रीड करेंगे जितना आप इंटरप्रेट करेंगे उतना आपकी और फंडामेंटल एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग। कैन यू प्लीज गो टू द कैलेंडर पार्ट अगेन। तो ये हो गया, ये न्यूज किस बारे में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, इम्पैक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए इम्पैक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये कभी लाल है, कभी ऑरेंज, यहाँ पे कभी उसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लाल है, ऑरेंज है और येलो है। लाल का मतलब बहुत डेटा का बहुत बड़ा असर होने वाला है, येलो का ना कम ना ज़्यादा लेकिन असर रहेगा, ठीक है। अब यूजुअल इफेक्ट, पहला तो हमने देख लिया डेटा किस बारे में, दूसरा ये नीचे वाला सेलेक्ट कीजिए, यूजुअल इफेक्ट एक्चुअल ग्रेटर देन फोकस्ड इज गुड फॉर करंट, ये रहा ये रहा ये रहा, सेकेंड उसका नीचे, हाँ एक्चुअल ग्रेटर देन, हाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी एंड उसमें पेस्ट कीजिए। तो इस डेटा का आने से मार्केट में इसका क्या क्या लिखा हुआ सर, पूर्वा अनुमान से बड़ा वास्तविक मुद्रा के लिए अच्छा है, यानी कि पिछला जो अनुमान का डेटा आया था अगर उससे अच्छा आया तो मार्केट के लिए अच्छा है, ठीक है। वापस से आप कैलेंडर पे जाइए, यहां पे देखिए आप मार्च 15 2019 मार्च फरवरी 15 जैन नवंबर, ये उसका एक्चुअल लोगों ने क्या फोरकास्ट किया और डेटा प्रीवियस उसका क्या था, यहाँ पे उन्होंने पहले से दे रखा है। तो आपको करना ही है, थैंक यू सर, थैंक यू, हो गया, थैंक यू वेरी मच, आपको करना है इसको प्रैक्टिस में डालना है। ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस को किस तरीके से आप पढ़ें, तो ये आपका ये हो गया। दूसरा जो फैक्टर इसमें काम करता है दैट इज सेंटीमेंटल एनालिसिस, वेरी सिंपल है, बड़ा सा शब्द है, सिंपल में समझा देता हूँ। हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, कई लोग चाहते होंगे एक्स पार्टी ऊपर आए, कई लोग चाहते होंगे बी पार्टी ऊपर आए। मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है, एक्स जीतेगा और वो पार्टी जीत जाती है, तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव था, उसके बारे में सोच रहे थे, वो जीत जाती है, तो आपको एक अनुमान मिल गया। सबसे पहले आपको फंडामेंटल से आप पढ़ लिए, सेंटीमेंट्स लोगों के देख लिए, एक आपने एक पोजीशन बना ली कि ये पार्टी आने वाली है, मार्केट में अच्छा आने वाला है। जैसे ही मार्केट खुलने से पहले आपके पास आपके एनालिसिस है कि मार्केट विल गो पॉजिटिव, और आपने जाके सेंटीमेंट एनालिसिस बेसिस पे आपने जाके अपना पोजिशन ले लिया एंड यू कन्फर्म दैट यू आर गोइंग गुड। अब ये सेंटीमेंट और फंडामेंटल के साथ आप अपना एक जजमेंट बना रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपको जाके मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या अपना जजमेंट दे रहे हैं उसको मैच करना तो जरूरी होगा ना, क्योंकि उनके पास 25 साल 50 साल का बहुत बड़ा अनुभव है। तो जब वो अपने पॉइंटर्स बना के आप उन लोगों का मैचिंग करते हैं तो आपका डे बाय डे आपकी फंडामेंटल एंड सेंटीमेंटल एनालिसिस क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। इस कड़ी का तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को देखना, चार्ट को पढ़ना, ठीक है। जब आप ये ए प्लस बी प्लस सी को समझ लेंगे, मैं मास्टर या एक्सपर्ट नहीं बोल रहा हूँ, समझ लेंगे और फिर आप चाहे स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, उसमें आप पहल करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। मैं एक जगह ट्रेनिंग कर रहा था, कहीं ने बोला सर हम खाली फंडामेंटल ही कर लें या ये तीनों करने की क्या ज़रूरत है, एक करके भी कर सकते हैं लेकिन उस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, हायर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप कहीं कहीं अपने दोस्त यार जो बहुत सालों से कर रहे होंगे तो आँख बन के बोल देंगे यार यही होने वाला, एक्सिस बैंक 10 साल पहले ये था अभी ये हुआ, तो उनके दिमाग में वो चीज़ छपा हुआ है, ताज़ा है। तो ये चीज़ को आप करेंगे फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल सेंटीमेंटल एंड टेक्निकल, ये तीन पिलर हैं कोई भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जब आप एंटर करते हैं उसको आप पूरी तरीके से सक्सेस मैक्सिमम आप पा सकते हैं। स्टिल वी हैव टाइम और आई होप सो इट वॉज गुड, मजा आया, वेरी गुड। इसी तरीके के मैं अपने एक्सपीरियंसेस अलग अलग सेशन में, मैं एक ही चीज़ हर बार नहीं, हर सेशन में नहीं बोलूँगा, उसको चेंज करके मैं बताऊँगा ताकि जितने लोग अगर उस पॉइंट्स को आप नोट कर लें और उसको आप होमवर्क कर लें, फिर जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बनाया उसको प्लान कीजिए, डेमो पे ट्रेड कीजिए, देन
आपको सक्सेस और सक्सेसफुल से बनाने से कोई रोक नहीं सकता. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मिस्टर शिव, बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए हम लोगों को भी मिला. थैंक यू सर. और ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने सीखा जरूर होगा आपसे कुछ ना कुछ. मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि आने वाले कुछ समय तक कुछ समय के बाद आप लोग फंडामेंटल और टेक्निकल ट्रेनिंग इस तरह से अटेंड करते रहेंगे तो मार्केट के बहुत सी ऐसी न्यूज आपके पास आ करके क्रैक हुआ करेंगी जिसपे आप ओपिनियन दे सकेंगे अपनी. कुछ माहौल बदलता हुआ भी लगेगा आपको अपनी लाइफ के अंदर. एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे और इसे अपने परिवार में भी आप डालेंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट जो भी इसको माने, हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं नंबर्स यहाँ बेइंतहा होते हैं बट ओपिनियन हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होती है. अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करूँ तो हमसे बड़ी बिरादर इतने कम समय में कोई नहीं खड़ा कर पाता है. लेकिन क्या होता है, ओपिनियन बड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है. जब आप जाएंगे मार्केट में बात करेंगे इसकी जो भी आपने यहाँ सीखा, तो पहली चीज़ तो ये कि एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, एक बार में आप समझ भी नहीं पाएंगे इसको. दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए आपको बार 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 क्लास अटेंड करना पड़ेगा. तीसरी चीज़ ये कि मार्केट की जो ओपिनियन है वो हमेशा इस इंडस्ट्री में किसी भी नई चीज़ को लेकर या पुरानी चीज़ों को लेकर के तुरंत पॉजिटिव नहीं होती है. हम लोगों ने क्योंकि इंश्योरेंस से काम किया था, इंश्योरेंस में शुरुआत की थी एक बड़े मार्केटिंग की, तो जब भी हम किसी प्राइवेट कंपनी को लेकर के जाते थे और किसी को बताते थे तो सबसे पहला सवाल हमारे देश में यही होता था कि बजाज बिरला टाटा जैसी कंपनियों के लिए भविष्यवाणी होती थी कि अरे कंपनी भाग जाएगी. जानते हैं जाहिर सी बात है, कंपैरिजन हुआ करता था LIC से लेकर कि LIC है वो काम कर रही है और ये कंपनी तो भाग जाएगी. तो हमारे पब्लिक ओपिनियन बड़ी डिफरेंट होती है. एक छोटा सा राय वो दे करके, राय मशवरा दे करके, क्योंकि ऑनलाइन हूँ तो जाहिर सी बात है कि हर तरह के लोगों को मेरा मैसेज जा रहा है, तो मैं वही छोटा सा मैसेज आपको भी देना चाहूँगा कि जब यहाँ से आप जाएंगे तो आपको किस तरह के लोग मिलेंगे और आपको क्या करना है ये मैं देखूँगा. और बाकी लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है ओपिनियन का मार्केट ओपिनियन ही रहता है. फिर इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस कराऊँगा जो अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं, लेकिन इनकी नॉलेज इनकी जानकारी अगले 30 से 40 मिनट में आपके लिए इस काम को बड़ा आसान कर देगी, बहुत आसान कर देगी. और आसानी में मिस्टर महेंद्र जी ने, मिस्टर शिव ने, मिस्टर रिंकू ने, मिस्टर